यार ये वीडियो पूरा वर्टिकल है क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं वीडियो बना भी नहीं रहा था, मैं बस रैंडम क्लिप्स रिकॉर्ड करता चल रहा था और ये बहुत ही कुछ गाली निकल रही है मुंह से भाई, मतलब बहुत ही कुछ हो गया भाई। शिट यार, शिट 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 फक। तो पूरा वीडियो ऐसे ही रहने वाला है, सॉरी उसके लिए, बट ये बहुत स्पेशल मेमोरी है। वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। चार दिन का अपना चादर ट्रैक पूरा करने के बाद टुंडू भाई इन टीम को गुड बाय बोलकर हम चल देते हैं जंस्कार की ओर, जहां पर बीच रास्ते में मोरू भाई को एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फोन कॉल आता है। तो बस अगली सुबह अभिनंदन को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के बाद See you again. हम निकल जाते हैं मोरू भाई के गांव की ओर, जिसको स्नो लेपर्ड विलेज भी बोला जाता है। यू आर इन स्नो लेपर्ड टेरिटरी, समझ लो दोस्तों। अब इस गांव का एक डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जहां हम देखते हैं कि कैसे यहां पर देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी काफी टूरिस्ट आते हैं स्नो लेपर्ड की खोज में। और आज मैं भी उसी माउंटेन के घोस्ट को देखने की कोशिश करने आया हूं। हां, कोशिश, क्योंकि स्नो लेपर्ड देखना कोई मजाक नहीं है भाई। तो यार यहाँ ठंड इतनी है, बर्फ जम गई है, ये पूरी जमी हुई थी, इसे तोड़ा है। अब इस जगह की बात ही कुछ ऐसी है, जब गजब वाली सर्दी पड़ती है तभी लेपर्ड शिकार की तलाश में और ऊंचे पहाड़ों से जरा नीचे आता है और एक साइटिंग की पॉसिबिलिटी होती है। मैंने ये भी सुना है कि अगर इस जमीन पर जरा बर्फ पड़ जाती है तो साइटिंग के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। पर अब मुझे इस गांव में बैठे पूरे 3 दिन हो चुके हैं, ना ही स्नो लेपर्ड दिखा है और ना ही कोई बर्फ। कब पड़ेगी ये बर्फ? ओ ओ ओ ओ ओ, कल रात सोया था बिल्कुल ऐसा प्लेन था बैठा हूँ। गुड मॉर्निंग अंकल। हाय। गुड मॉर्निंग रौनक, कैसे? हम सेटिंग के लिए जा रहे हैं। अच्छा, बर्फ पड़ गया अभी चांस है लेपर्ड का, स्नो लेपर्ड मिलने का चांस है। ओह वाओ, आज मेरा लास्ट डे है, होपफुली लेपर्ड दिखेगा। तो फिर फट से थोड़ा नाश्ता करने के बाद नाउ मिशन लुकिंग फॉर स्नो लेपर्ड इज ऑन। एक्चुअली रास्ते पे इतनी ज्यादा बर्फ है कि हमारी ऑल्टो स्किट हो रही है, ऊपर ही नहीं चढ़ पा रही, ऐसे आती है। और अजंग नोर बुले। कन इनले। कहाँ पहुंच गया? सिरमंग जंगला। अब बात यह है कि इस गांव के अंदर कोई मोबाइल सिग्नल है नहीं, तो कम्युनिकेशन के लिए यहां पर इस्तेमाल किया जाता है ऐसे वॉकी टॉकीज का। तो दोस्तों इस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है यहाँ पे वॉकी टॉकीज की मदद से। मेरे को नहीं पता इसने से क्या क्या बुलवा दिया। मैंने बोल दिया। आज पास ही के गांव में एक बूढ़ी अम्मा चल बसी हैं, इसलिए पूरा गांव यहाँ उन्हें अपनी रिस्पेक्ट देने आया है। जहाँ पर हमें ये भाई जी मिलते हैं और हमें वो पास ही स्नो लेपर्ड की हुई किल के बारे में बताते हैं। फिर भाई जी आगे आगे और हम पीछे पीछे। तो सामने ईगो के अंदर जो भैया जा रहे हैं वो एक्चुअली हमें किल तक लेके जा रहे हैं। किल पे जाएंगे, देन वहाँ थोड़ी देर बैठेंगे उम्मीद में कि लेपर्ड दिख जाए। वो भाई जी फिर हमें किल की लोकेशन स्पॉट तो करा देते हैं, पर अभी उसका स्टेटस कंफर्म करना जरूरी था, इसलिए मोरू भाई अकेले ही चल देते हैं उस किल के पास। All set, time to go. Okay. No way. मोरू will find a way. Mountain goat. एक माउंटेन गोट और हमारे मोरू भाई में क्या फर्क है? कुछ भी नहीं। पर भाई कितनी खतरनाक बात है कि जिस एरिया में मोरू अभी खड़ा है ना वहीं पर किल है, वहीं आसपास लेपर्ड ने ऑलरेडी किसी जानवर को मारा हुआ है। भाई हमारे वहीं जा रहे हैं पैदल पैदल। वाह, मोरू को शायद किल मिल गया है। किल तो भाई वहां पर था, पर स्नो लेपर्ड किधर है? Our goat is returning back. Was fun, bro. किल दिख गया? वहीं पर था जब तू नीचे बैठ के ऐसे देख रहे थे। अभी नहीं आया लेपर्ड? खाया नहीं हुआ? Nothing. Fresh.
तो आ सकता है ना? मुश्किल है, पता नहीं, कोइंसिडेंस। कहते हैं स्नो लेपर्ड बहुत किस्मत वालों को दिखता है, और मुझे मेरी किस्मत पर थोड़ा यकीन था, पर जब फिर भी लगभग 40 मिनट इंतजार करने के बाद हमें स्नो लेपर्ड का कुछ पता नहीं चलता है, तो हम अपने घर की ओर वापस चल देते हैं। पर मैं अभी भी होपफुल था। तो अभी तो लेपर्ड नहीं दिखा है, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आज शाम को दिखेगा, गट फीलिंग है। लौटते हुए वापस रास्ते में हमें उसी जगह पर कुछ आंटियां मिलती हैं। और फिर हम ऑल्टो की सारी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें भी लिफ्ट दे देते हैं। तभी एक गुड न्यूज आती है। क्या सीन है अब? अब जा रहे सीधा। इसको भी फोन आया, ये भी बोले। फिर वो गुड न्यूज़ दोबारा आती है। लेपर्ड का वही है। अरे बाप रे, हर किसी से नहीं से जा रहा है। ओ भाई, अभी हमें मतलब 5 मिनट हुए अपने उस किल वाले स्पॉट से निकले हुए, फोन आ गया। फोन तो एनीवेयर कम्युनिकेशन हुआ कि लेपर्ड वापस स्पॉट हुआ है। फिर हम आंटियों को एक एक करके ड्रॉप करते हैं, गाड़ी को एक रोड साइड पर लगाते हैं और चल देते हैं एक्चुअल स्नो लेपर्ड की टेरिटरी में। द एडवेंचर बिगिंस। आज मुझे लद्दाख की शक्तियों के बारे में पता चला है भाई। शिट, आई होप बेटे मम्मी ना देखे, मम्मी देखे तो कुछ बोले ना। फक भाई, मैं क्या कर रहा हूँ? अपनी स्लो स्पीड की वजह से मैं ज़रा पीछे रह जाता हूँ। आसपास इस जगह को देखता हूँ तो डर का थोड़ा एहसास होता है, पर वो सारा डर तुरंत ही बैक सीट ले लेता है जैसे ही मैं इनको देखता हूँ। ये है मोरूप के पापा, और ये पूरे इंडिया के वन ऑफ दी बेस्ट स्पॉटर्स हैं। एक स्नो लेपर्ड को स्पॉट करने में अंकल को इतनी महारत हासिल है कि बीबीसी ने अंकल जी पर एक छोटी डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। चट्टानों के बीच में हाँ। सो के बैठे, सो रहा है, सो रहा है। तीन तीन स्नो लेपर्ड है। फिर मैं भी बाइनोकुलर से स्नो लेपर्ड देखने की कोशिश करता हूँ, पर मुझे लेपर्ड दिखता ही नहीं है। इसीलिए हम डिसाइड करते हैं कि जरा सा आगे चलकर देखते हैं, मगर उससे पहले ये चीज करनी बहुत जरूरी है। हमने भी अंकल से कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा भड़कीले कपड़े और वाइल्ड लाइफ के लिए ठीक नहीं है, पर मैं ट्रक के लिए आया था पहन के। अच्छा लग रहा है। हल्का मजाक करने के बाद हम बढ़ते हैं स्नो लेपर्ड की डायरेक्शन में, और अंकल जी जाते हैं वापस नीचे। अंकल का जा रहे क्यों? तो क्लाइंट को लेके आएंगे। नहीं, लेके नहीं। वहीं से दिखाएगा। सुन रहे हो, अंग्रेज नहीं चल पाएगा, मैं आया हूँ। अप्रिशिएट। ओ भाई, गायब हो गए अंकल तो। ओ शिट। दोस्तों, वो नोरबो अंकल थे, मोरूप के पापा, वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट स्पॉटर्स। हम जो ऊपर आ रहे थे ना, तो मैं डर रहा था, फिर मैंने अंकल को चोटी पे खड़ा हुआ देखा ऐसे बाइनोकुलर्स के साथ। मैं कहा आप देख लेंगे स्नो लेपर्ड को। मुझे जरा आइडिया नहीं है कि यहाँ मेरे साथ क्या होता है। शायद वो एड्रेनल का रश था या कुछ और, क्योंकि इस बार जब मोरूप के साथ साथ मैं ये पहाड़ चढ़ रहा था तो मैं जरा नहीं थका, बल्कि मुझे कुछ नेक्स्ट लेवल ही मजा आने लगा था। मैं बता रहा हूँ, लाइफ की हर टेंशन, हर चीज गई पहाड़ में भाई। ये मोमेंट है, ओ भाई, बहुत तगड़ा मोमेंट है। वैसा कुछ बता रहे हैं के बाद हम एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए बिना कुछ भी बोले चुपचाप अपने कैमरा गियर स्कूल के बैठ जाते हैं। हमारे टीम के सामने स्नो लेपर्ड है। तो अगर आपको लग रहा है कि पिक्चर खत्म हो चुकी है, तो मेरे दोस्त, ये पिक्चर अभी बाकी है। एक बेटर शॉट की तलाश में मोरू भाई जरा राइट को चले जाते हैं,
और अब उस जगह पर मैं रह जाता हूँ बिल्कुल अकेला। अब सच बोलूं तो इस समय मेरे को डर का डी भी नहीं लग रहा होता है, शायद इसमें उसी एड्रेनल का हाथ था, इसलिए पता नहीं किस कॉन्फिडेंस में आकर मैं वहां पर थोड़ी सी अपनी फोटोज खींचने लगता हूँ। और 10-15 मिनट के बाद जब मैं दोबारा से उस स्कोप के अंदर देखता हूँ तो मेरी फट जाती है। मेरा उन तीनों लेपर्ड से डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट होता है और वो फुल एग्रेसिव पोजीशन में रेडी थे मेरी तरफ आने के लिए। मैं हमेशा अपने साथ एक छोटी शिवजी की मूर्ति लेकर चलता हूँ। दिमाग में इस समय कुछ भी नहीं आ रहा था, बस ये लग रहा था कि कुछ सेकंड और उसके बाद इसी चट्टान के पीछे से लेपर्ड मेरे ऊपर छलांग मारेगा। मोरू को गए हुए 15 मिनट हो गए। मैंने भी दूरबीन में देखा, मेरा लेपर्ड से आई कॉन्टैक्ट हुआ है। जितना भी मैं मोटिवेशन अभी पक रहा था, मेरी सब कान पड़ गई है। मैं अपने बैग में हमेशा शिव जी कैरी करता हूँ। मैंने पास लगा लिया दिल से। मेरे को अभी बहुत ज्यादा डर का एहसास हुआ है। वो डर के जब 5 मिनट और बीतते हैं तब दिमाग को कहीं जाकर समझ आता है कि स्नो लेपर्ड एक बहुत ही शाय एनिमल होता है और वो ह्यूमंस पे अटैक नहीं करता है। कुछ आधा घंटा और बीतता है, ज़रा होश को मैं संभाल पाता हूँ तब मन में एक यही बात आती है। दिस इज द मोस्ट प्राउड आई हैव बीन रिसेंटली ऑन माई सेल्फ। मुझे नहीं पता लोग लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। किसी को बहुत पैसे चाहिए, किसी को बहुत फेम चाहिए, किसी को यूट्यूब बहुत सारे नंबर चाहिए। मेरा क्लियर है, मैं एक आइडल सेल्फ को चेस कर रहा हूँ खुद की। मेरे दिमाग में एक आइडल इमेज है जो मैं चाहता हूँ कि आज से 3-4 साल बाद वो आदमी जो इमेज मेरे दिमाग में है वो मैं बनूँ, और ये सारे स्टेप्स उसकी तरफ हैं। और मेरे को खुद दिखता है भाई कि मैं मेरे अंदर बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है। लोग बोलते हैं, मैं कमेंट्स में पढ़ता हूँ, मेरे को नहीं आते क्योंकि मैं तो अभी नया नया हूँ, बट बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत सारे क्रिएटर्स के कमेंट्स में आते हैं, भैया अब तो आप बदल गए हो। अगेन मेरे नहीं आते क्योंकि मैं नया हूँ अभी, बट आज से थोड़े साल बाद ज़रूर आएंगे कि भैया आप तो बदल गए हो, पहले वाली बात नहीं है। अबे दोस्त, द थिंग इज जो चीज़ें हम देख रहे हैं ना यहाँ पे, जो चीज़ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिस तरह के एक्सपीरियंसेस हमें मिल रहे हैं, वो हमें बदलेंगे ही। बदलाव ज़रूरी है। अगर तुम नहीं बदल रहे हो समझो तुम मर गए हो। अगर तुम जिंदा हो तो तुम बदलाव आएगा ही आएगा। खैर इन सब में नहीं पढ़ूंगा, इस पहाड़ी के कहीं पीछे स्नो लेपर्ड बैठा है, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं खुद पे खुश हूँ। होता ना खुद को चैलेंज करने का मन करता है हर थोड़े टाइम बाद कि तुमने यहाँ तक कुछ किया है लाइफ में पर तुम्हें और ऊपर जाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे को करनी है और मैं कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। उस शाम फिर वापस लौटकर हम मस्त टेस्टी टेस्टी मोमोज बनाते हैं और सब साथ में खाते हैं। आज से सालों बाद मेरे पास कुछ रहे ना रहे पर ये सारे एक्सपीरियंसेस मेरे खुद के हैं जो मरते दम तक हमेशा मेरे साथ रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट जरूर ड्रॉप करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर।